आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में गिवन है ए फोर्स है ठीक है थ्री यूनिट एक्ट थ्रू दी पॉइंट ठीक है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है थ्री यूनिट है एंड इस पॉइंट पे क्या करता है एक्ट करता है ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करता है सो फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बनकोमा माइनस थ्री कोमा टू एंड द मोमेंट अबाउट द एक्स एज पैरेलल टू द कॉर्डनेट एक्सएच विथ पास एट थ्रो बनकोमा माइनस थ्री कोमा टू ठीक है तो सबसे पहले पहला पार्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ तक मोमेंट अबाउट द पॉइंट निकालते हैं उसके बाद मोमेंट एक्सेस के अबाउट निकाल देंगे मोमेंट तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है फोर्स है एफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा बी पॉइंट है ठीक है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है फोर को माइनस वन सेवन उसके थ्रू लग रहा है ठीक है इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड उसका जो फोर्स का है एफ वेक्टर तो कुछ होगा और मैग्नीट्यूड क्या है उसका वो दिया हुआ थ्री यूनिट ठीक है और उसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे फोर्स की किस डायरेक्शन में ये नाइन आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के ठीक है या फिर उसको बोल सकते हैं एफ वी डायरेक्शन को साइन ऑफ फोर्स सॉरी डायरेक्शन रेशियोज फोर्स ठीक है तो सबसे पहले तो मेरे को फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे मोमेंट निकालने के लिए सो so, मोमेंट किसके अबाउट पूछा है इन्होंने मोमेंट पूछा एक कोई पॉइंट है रैंडमली यहाँ पे पॉइंट मान देता हूँ ए वन कोमा माइनस थ्री कोमा टू इस पॉइंट के अबाउट पूछा है इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ठीक है so, सो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से इसकी पोजिशन हो जाएगी आर ऑफ ए बी वैक्टर ठीक है सो सबसे पहले तो मेरे को फोर्स निकालना पड़ेगा तो फोर्स कितना है फोर्स एफ वैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ एफ इंटू उसका डायरेक्शन रेशियो एफ वी कैप ठीक है सिंपल यही तो होगा डायरेक्शन वैक्टर की क्वांटिटी क्या होती है तो साथ में उसकी डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया डायरेक्शन ये हो गई सिंपल वैक्टर ऐसे ही तो बनता है तो ये थ्री यूनिट यहाँ से आ गया एफ वी कैप यानी एफ वैक्टर अपॉन मॉडल ऑफ एफ बी सिंपल तो ये हो जाएगा थ्री इंटू नाइन आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के अपॉन में अंडर उफ नाइन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर ठीक है सो so यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन सॉरी अंडर रूट ये तो थ्री इंटू नाइन आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के अपॉन एटी वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर एट्टी वन प्लस फोर्टी वन ट्वेंटी वन का रूट एलेवन ठीक है तो ये मेरे पास सिंपल एफ फैक्टर आ गया फोर्स मिल गया ठीक है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालते है। so, हैं अब सो मोमेंट अबाउट पॉइंट किसी भी मान लेते हैं ए के अबाउट निकालने के लिए बोला तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एम ऑफ ए वैक्टर क्या होता है आर क्रॉस एफ सिंपल ए बी क्रॉस फोर्स एफ सो इस पॉइंट के अबाउट निकालना तो यहाँ से शुरू करेंगे पोजिशन वैक्टर आर ऑफ ए बी इसका किसके साथ ये क्रॉस इसकी डायरेक्शन तो फोर्स की ऐसी रही होगी सिंपल एफ ऐसे सो इसका इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस ठीक है तो आर ऑफ ए भी निकाल लेते हैं यानी बी का पोजीशन वेक्टर, आर बी माइनस आर ए क्रॉस एफ सो आर बी क्या है फोर आई माइनस जे माइनस जे प्लस सेवन के माइनस आर ऑफ ए कितना है यहाँ पे आता है वन माइनस थ्री प्लस टू ठीक है सो आई माइनस थ्री जे प्लस टू के क्रॉस ये कितना आ जाएगा एफ़ एफ़ कितना है यहाँ पे ये मेरा थ्री बाई एलेवन इंटू नाइन आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के दैट्स ऑल ठीक है सो so ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा थ्री आई प्लस टू जे प्लस फाइव के थ्री बाई एलेवन को मैं बाहर लिख देता हूँ क्रॉस नाइन आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के ठीक है तो ये यहाँ से मैं अब क्या कर सकता हूँ इसको सॉल्व कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट की हेल्प से ठीक है तो ये दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं तो आई जे के तो ये आ जाएगा थ्री बाई इलेवन तो बाहर आ गया थ्री टू फाइव नाइन सिक्स माइनस टू ठीक है सो ये मेरे पास सिंप्लीफाई वो किया जाएगा आई ऑफ माइनस के फोर माइनस थर्टी माइनस जे ऑफ माइनस के सिक्स माइनस फिफ्टी फोटी फाइव ठीक है सो so, इसको करेक्ट कर लेते हैं ये कितना है यहाँ पे नाइन नाइन टू जेफ नाइन जो फाइव फोर्टी फाइव ठीक है प्लस के कैप इंटू एटीन माइनस ऑफ एटीन इंटू थ्री बाई एलेवन तो बाहर था ही मेरा ठीक है so, सो बेसिकली ये कितना हो गया ये हो जाएगा थ्री बाई एलेवन माइनस के थर्टी फोर आई प्लस फिफ्टी वन जे कैप ठीक है तो ये हो गया मेरे पास मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ठीक है सो so, ये मेरा पहला पार्ट फिनिश हो गया मोमेंट अबाउट पॉइंट है अब यहाँ पे क्या करना है इसके बाद इन्होंने बोला है कि द मोमेंट अबाउट द एक्सेज पैरल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक है विच पासेज थ्रू बन कोमा माइनस थ्री कोमा टू ठीक है तो पासेज थ्रू बन कोमा माइनस थ्री कोमा टू कौन सा पॉइंट है मेरा ए पॉइंट ये ठीक है थीके? अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ थ्री एज ठीक है थीके? इसका मतलब क्या हो गया मान लेते हैं ये मेरा थ्री एक्सिस है ठीक है ये एक्स एक्सेस ये बाई एक्सेस एंड दैट विल बी जेड एक्सेस ऑल आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन सो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास ये देखिए अगर ये पॉइंट जो मोमेंट तो द है पैरल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस सो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से सो मेरा पॉइंट जो ए से पास होने वाली एक्सेस है तो पहले तो ए पॉइंट के बाद मोमेंट कितना निकल के आया था मेरा ये आया थ्री बाई इंटू माइनस थर्टी फोर आई प्लस फिफ्टी वन जी ठीक है अब इन्होंने बोला है कि एक्सेस है पैरेलल टू एक्सेस है ठीक है तो मान लेते हैं कोई एक्स एक्सेस के अगर पैरेलल की बात करता हूँ मैं ठीक है उसके बावट अगर मोमेंट निकालना हो तो सिंपल मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से ये यह आई कैप ठीक है सो यहाँ एक्स एक्सेस पर मेरा क्या है आई कैप कोमा जीरो कोमा जीरो सिंपल ठीक है तो इस डायरेक्शन में जब चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा एम ऑफ ए डॉट ये एक्स वेक्टर ठीक है यानी आई कैप के साथ इसका डॉट सो यानी थ्री बाई एलेवन इंटू माइनस थर्टी फोर आई प्लस फिफ्टी वन जे डॉट आई कैप सिंपल ठीक है तो इस डायरेक्शन में चाहिए ना बेसिकली अपने को यहाँ पे बेसिकली इसका आई एक्स अपॉन मॉडल्स ऑफ एक्स भी करना पड़ता है ठीक है सो तो अगर बेसिकली मेरा अगर ये अल्फा टाइम्स ऑफ आई भी होगा तो उसका मॉडल्स कितना हो जाएगा सिंपल अल्फा ठीक है सो so, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ ये बेस बेसिकली एक तरह का यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करते हैं और उसका डायरेक्शन में अपने को निकालना हो मोमेंट तो ये यह यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा से अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया सिंपल मेरे पास कितना आ जाएगा थ्री बाई एलेवन इंटू माइनस थर्टी फोर प्लस जीरो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा वन जीरो टू बाई एलेवन ठीक है इस डायरेक्शन में एम ऑफ ए एक्स का ठीक है अगर मेरे को इसी तरह एम ऑफ ए का किसके साथ बाई डायरेक्शन में चाहिए तो क्या होगा अपॉन बाई कैप ठीक है और ये यहाँ से निकल के आ जाएगा थ्री बाई एलेवन इंटू माइनस के थर्टी फोर आई प्लस फिफ्टी वन जे डॉट किसके साथ मान लेते हैं बीटा बाई ए ठीक है वो कोऑर्डिनेट अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा तो बीटा से बीटा भी कैंसिल आउट हो गया सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा थ्री बाई एलेवन इंटू फिफ्टी वन और ये कितना हो जाएगा थ्री वन फिफ्टी थ्री बाई एलेवन यूनिट इसी तरह एम ए जेड कैप ये क्या हो जाएगा जेड में तो कोई है नहीं तो एम ए का जेड कंपोनेंट तो ये सिंपल जीरो हो जाएगा तो तीनों डायरेक्शन में, में मेरे पास यहाँ से क्या आ गया ये आ जाएगा माइनस के वन जीरो टू एलेवन, कॉमा, जाएगा, वन एलेवन, कॉमा, जीरो क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर